चलिए शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन की वी नो कि इफ वी थ्रो अ बॉडी इट स्लोली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन अदरवाइज इफ वी हैव अ वेरी हैवी बॉडी अगर बहुत हैवी बॉडी हो एंड देन वी वॉन्ट टू पुश इट इट डज नॉट मूव ये बहुत आसानी से मूव नहीं करता है क्यों नहीं मूव करता है द रीजन इज वेरी सिंपल द रीजन इज फ्रिक्शन द रीजन इज फ्रिक्शन बट इन दीज टू केसेस वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये जो फर्स्ट केस था इसमें बॉडी मोशन में था उस समय लगने वाला फ्रिक्शन एक अलग टाइप का फ्रिक्शन होता है एंड इन दिस केस द बॉडी वॉज एटरेस्ट फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ मोशन यहां पे मोशन की टेंडेंसी हुई तब उसको अपोज जो करता है वो भी एक फ्रिक्शन है मोशन हुआ उस समय जो अपोज करता है वो भी फ्रिक्शन है बट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन फ्रिक्शन सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वन वी कॉल स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन सेकेंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन इज जब बॉडी में टेंडेंसी ऑफ मोशन हो जब बॉडी में टेंडेंसी ऑफ मोशन हो एक्चुअल मोशन ना हो उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन है जब बॉडी में एक्चुअल मोशन हो उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन दे ऑल हैव दीज टू हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टडी ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की पढ़ाई शुरू करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे सपोज हमने टेन न्यूटन फोर्स लगाया तो उस समय बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा है व्हाट डज इट मीन इसका मतलब क्या है क्या फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रहा है बता सकते हैं यस फ्रिक्शन इस समय टेन न्यूटन ही लगा रहा होगा वाई बिकॉज हमने टेन न्यूटन लगाया तो बॉडी मूव नहीं किया इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए और इसीलिए इसीलिए हमारा फोर्स जो है वो टेन न्यूटन होगा साथ ही साथ फ्रिक्शन का भी फोर्स टेन न्यूटन होगा सपोज हमने फोर्स अपना फोर्स का वैल्यू बढ़ा लिया हमारे फोर्स का वैल्यू अब हो गया ट्वेंटी न्यूटन तो अब बताओ कि फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन का वैल्यू अभी भी अब क्या हो जाएगा 20 न्यूटन अगर हमने बढ़ा के 30 न्यूटन कर लिया और बॉडी अभी भी मूव नहीं किया तो क्या कह सकते हैं फ्रिक्शन का फोर्स थर्टी न्यूटन हो गया यस सो यहाँ से इस कंक्लूजन इस थॉट uh, एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है क्या होता है वेरिएबल फोर्स होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है ज़रूरत के हिसाब से ये अपने मैग्नीट्यूड को बदलता है जरूरत क्या है इसकी इसकी जरूरत है कि ये बॉडी और उसके नीचे का सरफेस क्या रहे साथ, साथ जाए ये बॉडी और उसके नीचे का सरफेस जो है वो हमेशा साथ साथ रहे है ना इसीलिए वो चाहता है कि ये फोर्स इसको भगा के ना ले जाए वो फ्रिक्शन लगा देता है और कोशिश करता है कि इसको इस नीचे वाले फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में रखे उन दोनों की दोस्ती वो बरकरार रखे इसके अकॉर्डिंगली वो अपने फोर्स के वैल्यू को बदलता रहता है बदलता रहता है बदलता रहता है लेकिन एक बात बताओ आप फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ एक तो समय ऐसा आएगा जब आप इसको मूव करा देंगे मान लीजिए आपने लगा दिया सेवेंटी न्यूटन और उस समय अब ये मोशन हो गया है। या आप सोच लो न्यूटन आ गया और उस समय आपको लग रहा है कि अब 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 तो मोशन 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 होने होने ही ही वाला वाला है है हुआ नहीं लेकिन लगभग बस थोड़ा सा कोई फूंक मार दे भी तो भी मोशन हो जाएगा तो वो सिचुएशन ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका है इसके बाद फ्रिक्शन अब अपना वैल्यू और बढ़ा नहीं सकता फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड हेंस वी कंक्लूड फ्रिक्शन मस्ट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट है मैक्सिमम वैल्यू बियॉन्ड विच इट कैन नॉट इंक्रीज इट्स बियॉन्ड विच इट कैन नॉट इंक्रीज इट्स मैग्नीट्यूड सो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू कैन इट चेंज इट्स डायरेक्शन यस अगर हम लोग फोर्स इधर से लगाते हैं इफ वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड कैन इट चेंज डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर लेगा फ्रिक्शन अब इधर से लगना शुरू हो जाएगा सो इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ऑल्सो इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन यह अपना डायरेक्शन बदल सकता है क्या चाहता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों बॉडीज जो साथ में हैं वो साथ में रहें और उसी के अकॉर्डिंगली अपना ये मैग्नीट्यूड बदलता है उसी के अकॉर्डिंग अपना ये डायरेक्शन बदलता है लेकिन इसका ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू है इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं क्या आप कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ये बहुत जगह बताया जाता है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना बुक्स में भी कई बार लिखा हुआ रहेगा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन बट आई टेल यू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉट ऑफ फ्रिक्शन इट इज सिंपली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं ठीक ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है जब बॉडी में टेंडेंसी हो मोशन का क्या हो बॉडी में मोशन का टेंडेंसी हो बॉडी एक्चुअली मूव नहीं कर रहा और ये एक वेरिएबल फोर्स है इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है और ये अपना डायरेक्शन बदल सकता है नाउ लेट्स कम टू काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन पे आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है कैन चेंज अ डायरेक्शन यस बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड क्या रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ठीक है बट डायरेक्शन चेंज कर सकता है जरूरत के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बॉडी को ऐसे फेंका फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा टू अपोजिट उसको रोकने के लिए और अगर आपने इधर फेंक दिया तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल लेगा ठीक ये इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होता है ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है दूसरा क्या चीज है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है ये तभी लगेगा ना ये तभी लगेगा ना जब स्पीड हो जब वेलोसिटी हो बॉडी के पास तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा ठीक है वेलोसिटी से क्या रहेगा इंडिपेंडेंट अनलेस की वो वेलोसिटी बहुत कम नहीं हो बहुत ज्यादा नहीं हो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है इसलिए कि एक फ्रिक्शन होता है दूसरा फ्लूड फ्रिक्शन जिसको विस्कोसिटी कहते हैं वो विस्कोसिटी वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे इंडिपेंडेंट होता है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है अगर नॉर्मल रिएक्शन आप बढ़ा देंगे तो वो वेरी कर जाएगा ये सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में लेकिन उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए सो नाउ वी आर गोइंग टू सी लॉज ऑफ laws of limiting friction limiting friction and also parallelly we will see laws of laws of kinetic friction kinetic friction so that we are able to understand the comparison between limiting friction and kinetic friction so, this is what we are going to see now. Okay. So, what is the first point about laws of limiting friction? It says that it depends on nature of surface in contact. डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ देयर पॉलिश कितना पॉलिश किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली अगर ज्यादा रफ सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा अगर ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन कम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का पॉइंट जो है इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू limiting friction also has a constant value depending on again nature of two surface in contact nature of two surface in contact and again polish also what is the level of polish so this is the first point now let's come to the second point the second point says the limiting friction acts टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे मान लो ये बॉडी है तो तो ये जो सरफेस होगा ना जहां पे उनका कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टेक्ट के टेंजेंशियली लगेगा ये कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का सेकेंड लॉ सो ऑब्वियसली दिस वी नो कि फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उसके टेंजेंशियली लगेगा सो सेकेंड पॉइंट यही कह रहा है कि ये टेंजेंशियली लगता है है ना एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स खत्म करते हैं फिर उसमें हम लोग आएंगे सो so टेंजेंशियली लगता है दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर ये टेंजेंशियल है ये भी कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन या फॉर दैट मैटर स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसका भी डायरेक्शन टेंजेंशियल ही होगा इसमें भी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है हमने इसको डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल कॉन्स्टेंट हो नॉर्मल अगर कॉन्स्टेंट हो तो अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो बढ़ने की वजह से नॉर्मल बढ़ जाए देन लिमिटिव फ्रिक्शन मे गेट अफेक्टेड बट एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इट रिमेन्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो ये कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एफ एस मैक्सिमम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के और एफ एस मैक्सिमम को हम लोग लिख पाएंगे एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन म्यू एस इंटू एन जहां म्यूएस को क्या कहते हैं म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये मैक्सिमम वैल्यू है तो नॉर्मल कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें सो नॉर्मल एनी स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ठीक है ये वेरिएबल फ्रिक्शन होता है हमने देखा है ये जरूरत के हिसाब से अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदल देता है तो इस तरह से हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन के सारे लॉज देख लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का भी एक देख चुके हैं बाकी को भी देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट सेम चीज कहता है जो यहां है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिमेन सेम नॉर्मल कॉन्स्टेंट अगर नॉर्मल कॉन्स्टेंट हो तो इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट थर्ड चीज ये है ये भी टेंजेंशियल लगता है पर यह इसके लॉ में लिखा हुआ नहीं हो बट आप यू कैन राइट इट इज ऑल्सो एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सर्फिस ऑफ कॉन्टैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ विटी इंडिपेंडेंट ऑफ विलॉसिटी प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वेलॉसिटी इज नॉट वेरी हाई और नाइद नॉर वेरी स्मॉल है ना दोनों कुछ भी नहीं हो कि वेलॉसिटी बहुत हाई हो जाएगा तो भी शायद इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा डिपेंडेंस शुरू हो जाएगा और अगर बहुत कम हो तो भी डिपेंडेंस शुरू हो जाएगा लेकिन मेडियोकर रेंज की वेलोसिटीज की बात करें जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा एंड द लास्ट पॉइंट इज सिमिलर टू दिस वी कैन से एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड एफ के वी कैन राइट इज म्यूके इन टू एन जहा म्यूके क्या है कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास